गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की क्षितिज का फिफ्थ चैप्टर उत्साह। बच्चों, उत्साह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी हुई है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को क्रांति चेतना का कवि भी कहा जाता है। क्रांति चेतना मतलब जोश और उत्साह से भरी कविताओं का सृजन करने वाला कवि कहा गया है। तो आज की उनकी कविता का शीर्षक है उत्साह। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी बादलों के माध्यम से मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, बादल गर्जो घेर घेर घोर गगन धारा धरो, हे बादलों जोर जोर से गर्जो, पूरे गगन पूरे आकाश को घेर कर जोर जोर से धारा धरो, हे बादलों गर्जो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, हे बादलों जब तुम आकाश में फैल जाते हो तो तुम ऐसे लगते हो जैसे छोटे बच्चे काले घुंघराले बाल वाले बच्चे के समान सुंदर प्रतीत होते हो। ठीक है, जब हम देखते हैं कि आकाश में काले बादल छा जाते हैं तो उनमें जो है अलग अलग तरह की आकृतियां बनी रहती हैं। तो कवि ने उन्हीं को कहा है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा है और जिसके काले घुंघराले बाल हैं। विद्युत छवि उर्मे कि हे बादलों तुम्हारे उर्मे तुम्हारे हृदय में विद्युत बिजली छिपी हुई है। कवि नव जीवन वाले और तुम लोगों को नया जीवन देने की ताकत भी रखते हो। अब इन्होंने यहाँ पर विद्युत छवि उर्मे ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा वज्र छिपा कि अगर तुम चाहो तो अपनी इस बिजली से क्या करते हो, वज्रपात करने की ताकत रखते हो। नूतन कविता फिर भर दो, हे बादलों तुम बरसकर एक नई कविता का सृजन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि तुम वज्रपात करने की शक्ति रखते हो। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, बादल गरजते हैं, तो कई बार बादलों के कड़कने की आवाज आती है, तो तब पता लगता है कि कहीं पर बिजली गिरी है। और जहां पर बिजली गिरती है तो बच्चों वहां पर कुछ न कुछ नुकसान जरूर होता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि तुम्हारे, हे बादलों तुम्हारे हृदय में बिजली छिपी है जो वज्रपात करने की ताकत रखती है। हे बादलों तुम बरसकर एक नई कविता का सृजन कर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, हे बादलों इस पृथ्वी के लोग विकल 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 बहुत ही बेचैन अनमने से हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो सब लोग क्या हो जाते हैं, बेचैन से अनमने से रहते हैं, परेशान रहते हैं। ठीक है, उस समय विश्व के निदाग के सकल जन, जब पूरे संसार के सभी लोग बेचैन और परेशान होते हैं, तब आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब तुम कहीं से अनंत दिशा से अज्ञात दिशा से आकाश में आ जाते हो। तप्त धरा जल से फिर भर दो और फिर तुम अपने शीतल जल से इस पृथ्वी को ठंडक या शीतलता प्रदान कर देते हो। बादल गर्जो, हे बादलों जोर जोर से गर्जो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बादलों के माध्यम से कवि ने क्या किया है, मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है कि जिस तरह से बादलों में वज्रपात करने की शक्ति छिपी होती है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी ऐसी ताकत आती है जो उसके साथ अन्याय करे, जो उसे गुलाम बनाने की कोशिश करे तो वह उसका विनाश कर सकता है और वो चाहे तो समाज का निर्माण भी कर सकता है। तो इन्होंने बादलों को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर दर्शाया है। तो बच्चों ये एक पार्ट इसका उत्साह का है। तो सेकंड जो इसका पार्ट होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और आपको इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसकी जो व्याख्या है वो मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगी, जिसे आपने अपनी क्षितिज की काव्य खंड में इसको पूरा करना है। थैंक यू।